समझ सकते हैं और अपने बेटे की हर एक चीज़ को समझ सकते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने ये दिन काटे और कैसे कैसे करके आए उस मुकाम में वो पहुँचे हैं। भैया जी, वो तो उसको पता है या भगवान को पता है तो भाई कैसी माँ की ममता हो और कैसा कैसा दुख पाते हैं हम लोग पहुँचाया जाए, और वो तो खुद उसने भी पता है और भगवान ने बिल्कुल। तो गुरु जी का बर्थडे है तो आप गुरु जी को क्या कहना चाहिए? बस मैं तो यही कहूँ कि दुनिया की सेवा करता रहे और सबका आशीर्वाद करता रहे, जब हम लोग पहुँचा तो आप जब भी वो ऐसी सेवा करता है, शनि देव पापा ऐसी रक्षा करता रहे। जो काम किया है इस संसार में आगे शायद ही कोई मुदा ऐसा करे किसी की, और मैं तो कहता हूँ सभी देश की सेवा हो सके, लोगों के दूर दूर करें जीतने वाले मिलना है यहाँ पे तो सब मिले करिए, लेकिन मेरे बच्चे ने भगवान की भक्ति की और बहुत ही सुंदर ढंग से लोगों की सेवा की। तो आपको गर्व महसूस होता है और क्योंकि लोग तो इस काम को कुछ गलत भी सोचते हैं। नहीं, लोगों को सोचना गलत है, साढ़े सत्य आती है श्री देव, हमने भुगती है, हमने भुगती है साढ़े सत्य श्री देव की, हमने कैया भी साथ साथ भुगती, ये मैंने खुद भुगती है, उसके बाद मेरी संतान जो उसमें भी है, और मैंने ले जाके कुर्सी जो ये मंदिर बड़ा हुआ है श्री देव का ढोकला बन वहाँ उसको मैं लेके गया, और मैंने भगवान से एक विनती करी कि इस बच्चे को ये बहुत पढ़ लिया है, पढ़ाई भी पूरी कर ली है इसने और काम भी इसके नहीं पढ़ते, भगवान इतनी हमें क्यों वो दे रहा है, उसको कष्ट दे रहा है, इसलिए भगवान ने उसकी वहीं से छुट्टी पकड़ी थी, चार पाँच साल वहीं तपस्या की है, भगवान शनि के दर्शन किए हैं और भगवान से यही वरदान मांग रहा है कि मेरा नाम संसार में अमर। बहुत बहुत धन्यवाद है भगवान ने ऐसी संतान सबको दे, और मैं तो ये कहूँगा कि वो हजारों साल जी जी बोलते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं।
मैं समझ सकता हूँ आपने ये दो वर्ड इतने प्यारे बोले थे, तो मैं पूछना चाहूँगा कि गुरुदेव के वो प्यारे पर जो आपको बहुत अच्छी लगती है। हर जब हर एक मानो ऐसा लगता है कि मैं पूरी दुनिया मम्मी आइए बैठा दो सामने खड़ी है सामने मम्मी और बुआ कोई अन्ना कोई भी अन्य काल नहीं ले आओ तो मतलब मेरे पिता का निशान है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि चाहे पर जो गुरुदेव आपसे लेके अभी नहीं मिल पाते वो सही हुआ कैसे आप बताते हैं? तो ऐसा है कि ऐसे बहुत से मोमेंट्स थे जब मैंने उनको मिस किया, उनकी प्रेजेंस को मिस किया, जैसे कि कभी मेरे स्कूल में फंक्शन हुआ या फिर जैसे बचपन में मुझे खाते हुए लोगों का पिच छोड़ के आते हैं और मैं सभी खाकर पति करते हैं। तो मैं मान सकता हूँ कि उसके पीछे भी रीज़न है बहुत सारी ऐसी बातें जो सीखी। सबसे पहले ये जो ट्रेन है वो पत्थर को भी मिलता है। मेरे पिता सिद्धांत के साथ सिद्धांत में बड़ा होकर बोलना उनकी नक्शे कदमों पर चलना सकता और साथ ही साथ बड़ा होकर उनकी जैसे उन्होंने अपने वो बताते हैं कि हमें हमें हम हमें संपूर्ण प्राणी से सभी प्राणी से प्राणी मात्र से प्रेम की भावना रखनी सभी वैसा ही उन्होंने कंटिन्यू करनी है। जिनके दर्शन अभी आप टीवी में कर रहे थे अब वो यहाँ सामने हैं। खा लो पहले प्रसाद खा लो पहले।
माता जी इधर भी कैमरा है। बोलो शनिदेव महाराज की। आपकी वजह से नहीं बोलती है धाम में। कैसे बना रहा है ये कैसे बना रहा है। हमारे भैया हमें मानो की तरह अपने बेटे की तरह हमें बहुत प्यार देते हैं। तो आप कितने चाहिए बढ़िया भाई साहब माता जी के सामने कैमरा आ गया। और भी इसके बाद आपको जन्मदिन की बहुत सारी हृदय की गहराई से शुभकामनाएं। और गुरु जी जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, लोगों के दुख दूर कर रहे हैं, गठिया वायु की दवाई और सर्वाइकल जैसे रोगों को नष्ट कर रहे हैं। ए भाई इधर भी बना ले। मोटे मोटे को लाइव कर दो, मोटे उस पे फेसबुक पे लाइव कर दो ना, फेसबुक पे लाइव। आपका जो स्वाद मिला मुझे, जो आपका प्यार मिला है, वो ऐसे ही हमेशा जाता है। और आपके